स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर। फिगर में देखेंगे टोटल स्क्वायर कितने हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे फुली फिल्ड स्क्वायर्स, स्क्वायर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 स्क्वायर्स है। एरिया ऑफ द फिगर ए इज इक्वल 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, इसका आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो गया। बी पार्ट, इसमें स्क्वायर काउंट करेंगे फुली फिल्ड स्क्वायर्स, स्क्वायर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्क्वायर है। एरिया लिख देंगे, एरिया ऑफ द फिगर फिगर बी इज इक्वल 5 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर हो गया। सी पार्ट, इस फिगर में फुल स्क्वायर भी है और हाफ स्क्वायर भी बने हुए हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे फुली फिल स्क्वायर। फिगर में देखेंगे फुल स्क्वायर कितने हैं, 1, 2, 2 लिख देंगे, एरिया हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें हाफ देखेंगे, हाफ फिल स्क्वायर्स इज इक्वल, हाफ देखेंगे 1, 2, 3, 4, इसमें 4 है हाफ, 4 लिख देंगे, एरिया हो जाएगा, ये हाफ हाफ थे इसलिए 1/2 × 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 × 2 = 4, 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ फिगर सी का लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ फिगर सी इज इक्वल 2 + 2 = 4 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर लिखेंगे। डी पार्ट, इसमें फुली स्क्वायर बने हुए हैं, इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फुली स्क्वायर है। फुली फिल्ड स्क्वायर्स इज इक्वल 8, एरिया ऑफ द फिगर डी इज इक्वल 8 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर हो गया। ई पार्ट, दिस फिगर इज कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स, स्क्वायर्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फुली फिल्ड स्क्वायर्स 10, एरिया ऑफ द फिगर E इज इक्वल 10 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर हो गया। एफ पार्ट, गिवन फिगर में हाफ स्क्वायर भी है और फुल स्क्वायर भी है, फुली फिल्ड स्क्वायर्स इज इक्वल 1 or 2 फुल स्क्वायर है, 2 लिख देंगे, एरिया हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, इसमें हाफ भी बने हुए हैं, हाफ फिल्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, हाफ बने हुए 1, 2, 3, 4, 4 एरिया हो जाएगा 1/2 × 4, सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 × 2, 2 × 4, 2 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। एरिया ऑफ द फिगर फिगर एफ इज इक्वल 2 + 2, 4 हो जाएंगे, 2 + 2, 4 स्क्वायर यूनिट्स। जी पार्ट, इसमें फुली एंड हाफ स्क्वायर्स हैं, फुली फिल्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, पहले फुल स्क्वायर को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 4 लिख देंगे, एरिया
4 स्क्वायर्स यूनिट्स। अब हाफ को काउंट करेंगे, हाफ फिल्ड स्क्वायर्स 1, 2, 3, 4। एरिया निकाल लेंगे, एरिया इज इक्वल 1/2 × 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 × 4, 2 स्क्वायर यूनिट्स। इन दोनों को प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ फिगर का आ जाएगा, एरिया ऑफ द फिगर जी इज इक्वल 4 + 2। यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 आया है, 4 + 2 इज इक्वल 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो गया। एच इसमें फुल स्क्वायर बने हुए हैं, इनको काउंट कर लेंगे। स्क्वायर को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। फुली फिल्ड स्क्वायर्स इज इक्वल 5। एरिया हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ द फिगर एच इज इक्वल 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो गया। आई ये भी फिगर फुल स्क्वायर से बनी हुई है, स्क्वायर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 स्क्वायर है। फुली फिल्ड स्क्वायर्स इज इक्वल 9। एरिया लिख देंगे, एरिया ऑफ द फिगर आई इज इक्वल 9 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट एरिया की यूनिट होती है। ये आंसर हो गया। जे पार्ट इस फिगर में फुल स्क्वायर और हाफ स्क्वायर भी है। फुली फील्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, फुल वाले देखेंगे 1, 2। फुली इसमें 2 है, 2। एरिया हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट्स। हाफ वाले देखेंगे, हाफ फील्ड स्क्वायर्स, हाफ फील्ड स्क्वायर्स 1, 2, 3, 4। 4 है, एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल हाफ है तो इसलिए हाफ इंटू 4। डिवाइड कर लेंगे, 2 × 4, 2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ द फिगर जे इज इक्वल 2 + 2, 2 + 2, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो गया। के पार्ट के में फुल एंड हाफ स्क्वायर बने हुए हैं। फुली फील्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, फुल वाले काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। 4 एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। हाफ फील्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, हाफ इसमें बने हुए हैं 1 और 2। एरिया इज इक्वल हाफ इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर के इज इक्वल 4 + 1, 4 + 1 इज इक्वल 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो गया। एल पार्ट इस फिगर में फुली फील्ड स्क्वायर्स हैं, मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स हैं एंड लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स हैं। इनको काउंट करेंगे, फुली फील्ड स्क्वायर्स देखेंगे कितने फुल स्क्वायर बने हुए हैं, 1, 2, 3। यहां लिख देंगे 3, एरिया हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। अब मोर देन के देखेंगे, मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, काउंट करते हैं मोर देन को, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहां लिख देंगे 5, एरिया हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। अब लेस देन देखेंगे, लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, लेस देन है 1, 2, 3,
फोर फाइव, लेस देन इसमें फाइव है तो एरिया इसमें जीरो हो जाएगा। यहां पर लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स होते हैं उनका एरिया जीरो लिखेंगे। अब लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द फिगर, फिगर इज इक्वल थ्री एंड फाइव, थ्री प्लस फाइव ऐड कर देंगे एट स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर हो गया एम पार्ट। इस फिगर में फुली फिल्ड स्क्वायर्स देखेंगे, फुली फिल्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहां पर सेवन है एरिया हो जाएगा सेवन। अब मोर देन का देखते हैं, मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स इज इक्वल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स भी सेवन है, एरिया लिखेंगे सेवन स्क्वायर यूनिट। लेस देन का देखेंगे, लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, लेस देन का देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन है। लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स होता है उसका एरिया हम जीरो लिखते हैं, एरिया यहां पे लिखेंगे जीरो। टोटल एरिया ऑफ फिगर एम, टोटल एरिया ऑफ फिगर एम इज इक्वल, यहां पर ये सेवन है और ये सेवन है, सेवन प्लस सेवन इज इक्वल फोर्टीन स्क्वायर यूनिट्स, फोर्टीन स्क्वायर यूनिट्स हो गया एन पार्ट। इसमें फुली देखेंगे, फुली फील्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, फुल वाले देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसमें टेन है, यहां लिख देंगे टेन, एरिया लिख देंगे एरिया इज इक्वल टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर यूनिट्स मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स इज इक्वल, मोर देन वाले देखेंगे यहां से काउंट करते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहां पर एट है मोर देन, एरिया इज इक्वल एट स्क्वायर यूनिट्स। लेस देन वाले काउंट करेंगे, लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है लेस देन, यहां पर एरिया लिख देंगे जीरो। जितने भी लेस देन हाफ फील्ड होते हैं उनका एरिया जीरो लिखा जाता है। टोटल एरिया ऑफ फिगर एन इज इक्वल टेन स्क्वायर यूनिट प्लस एट स्क्वायर यूनिट, टेन प्लस एट इज इक्वल एटीन स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।